लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम कथा अमृत महोत्सव समिति के तत्वावधान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विनीत गुप्ता ने की। उन्होंने कहा कि समिति के तत्वावधान में 1 फरवरी से 9 फरवरी तक ब्रेड फैक्ट्री के पास श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राम कथा की वर्षा पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के मुखारविंद से की जाएगी। दिनांक 31/1/2024 को समय 1:30 बजे दोपहर ऋण मुक्तेश्वर मंदिर बुद्धि विहार से विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर समस्त कलशों की स्थापना की जाएगी। 1/2/2024 से पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के द्वारा श्री राम कथा का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक दिवस हजारों की संख्या में राम भक्त राम कथा का रस पान करने के लिए आएंगे। राम कथा के उपरांत प्रतिदिन विशाल भंडारे का आयोजन की व्यवस्था रहेगी। यह कार्यक्रम 9/1/2024 को विशाल भंडारे के साथ समापन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में श्री राम कथा अमृत महोत्सव समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल एवं महामंत्री प्रवीण कुमार के द्वारा कार्यक्रम की विस्तार से सूचना दी गई। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से उपस्थित रहे विभोर कुमार गुप्ता, विपिन कुमार गुप्ता, अंकुर अग्रवाल, अनिल कुमार शर्मा, ऋतु नारंग, ज्ञानेंद्र शर्मा, धीशान दास, दीपक कृष्ण शास्त्री, राजीव अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, शशि अरोड़ा, नरेश सक्सेना, अशोक सिक्का, पंकज माथुर, राम रतन शर्मा, पंकज सक्सेना, विनीत गुप्ता, एके गुप्ता, अजय नारंग आदि लोग मौजूद रहे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग द्वारा मीटिंग रखी गई थी, आज कार्यक्रम स्थल पर व्हाइट हाउस में बुद्धि विहार, जो राम कथा 31 तारीख से कलश यात्रा हमारी शुभारम्भ होने जा रही है और 9 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। 1 फरवरी से भाई रमेश ओझा जी की द्वारा मुख्य बंद से ये राम कथा का आयोजन है मुरादाबाद महानगर के अंदर किया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम को रूपरेखा आप लोगों के उपस्थित रखी गई है। 31 तारीख को हनुमतेश्वर मंदिर से बुद्धि विहार में होते हुए बीपी यादव चौराया होली चौक होते हुए महिलाल पब्लिक स्कूल पर होते हुए कार्यक्रम स्थल पर संपन्न होगी। 1 फरवरी से जो अपने व्हाइट हाउस के बराबर जो प्रांगण है उसमें कथा का आयोजन किया जा रहा है। रमेश भाई ओझा जी आप सब लोग जानते हैं कथावाचक हैं, इंटरनेशनल कथावाचक हैं, जो उनके मुख से है मुरादाबाद 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कथा का आयोजन किया जाएगा। उसके तत्पश्चात प्रसाद वितरण किया जाएगा, जिसमें भोजन की भी व्यवस्था सब लोगों की रखी गई है। लोहिया परिवार द्वारा ये भोजन की व्यवस्था रोज पटे दिन करी गई है। तो 9 दिन हमारे क्रम में इसी तरह कार्यक्रम चलेंगे। जय श्री राम, जय बाबा। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे शहर मुरादाबाद में गुजरात से श्री रमेश भाई ओझा जी राम कथा का अमृत पान कराने के लिए मुरादाबाद के नागरिकों को मुरादाबाद में आ रहे हैं। वो 31 तारीख को यहाँ पर कलश यात्रा निकलेगी। बहुत ही भव्य कलश यात्रा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इसके पश्चात 1 तारीख से और 9 तारीख तक जो है राम कथा का जो आयोजन है वो उनके मुख से अमृत जो अमृतमयी वाणी से जो सुनेंगे। हमारे शहर मुरादाबाद में पहले भी बहुत ही बड़े बड़े संत आते रहे हैं। डोंगरे जी महाराज ने आज से 40 साल पहले कथा की थी। इसके बाद भी और भी जितने भी संत हैं, मुरादाबाद की धरती ऐसी है कि यहाँ पर वो भी आकर के धन्य हो जाते हैं और जो यहाँ की जनता है वो भी इतनी मधुर है कि उनको सुनने के लिए आतुर रहती है। और यही मेरा निवेदन है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें ला यहाँ पर जो अपना बुद्धि विहार का मैदान है और इसका धर्म लाभ कमाएँ। और जो भंडारा है हमारे लोहिया जी परिवार के द्वारा बहुत ही मदद कर रहे हैं हमारे भाई सब लोग जो खड़े हैं यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सब लोग मिलकर मुरादाबाद की जनता मिलकर के करती है। जय हिंद, जय भारत।